नमस्कार। तकनीकी मूल ज्ञान में इस बार बहुत छोटा मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है कि कई बार हमें अपने ऑफिस में या हम अपने घर पे भी देखते हैं कि अगर हमने कभी कोई प्रिंट कमांड दे दिया है तो फिर बाद में हमको ऐसा महसूस होता है कि या तो हमने गलत फाइल को प्रिंट दे दी है या हो सकता है गलत प्रिंटर पे हमने प्रिंट कमांड दे दिया हो। और अगर काफ़ी ज़्यादा पेजेस, कई बार ऐसा भी होता है अगर काफ़ी ज़्यादा पेजेस का डॉक्यूमेंट है और हमें फर्स्ट पेज प्रिंट करना था, हमने प्रिंट दे दिया। जनरली होता है ऐसा जब हमको ऑफिशियल लेटर वगैरह प्रिंट करने होते हैं और पहला पेज हमने प्रिंट पे लिए दे दिया है, परंतु वो एक्चुअली उसमें हमने पेज वन सिलेक्ट नहीं किया होता, वो ऑल सिलेक्टेड रहता है। तो अगर वो पेजेस में 100 पेजेस है तो वो 100 पेजेस का प्रिंट कमांड चला जाता है। ऐसी स्थिति बने तो हम कैसे उसको बीच में रोकें ताकि अगर 2 या 3 पेजेस ही प्रिंट हुए हैं तो उतना ही पेज प्रिंट हो, ना तो पेजेस का नुकसान हो, ना प्रिंटर का नुकसान हो, ना समय का नुकसान हो। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए एग्जाम्पल दिखाने के लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने 3 पेजेस ले लिए हैं। सब पहले पेज पे फर्स्ट पेज लिख दिया है, फिर सेकंड पेज, थर्ड पेज, नॉर्मल एक वर्ड का ये डॉक्यूमेंट है। तो प्रिंट कमांड का आपको तो 2 तरीके मालूम ही है, फिर भी बता देता हूँ मैं। एक कमांड तो ये राइट साइड में हम टॉप पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, डायरेक्ट इस प्रिंट पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें अपने कीबोर्ड में कंट्रोल दबाना है और पी बटन दबाना है, तो वो मैं दबा रहा हूँ। ये मैंने दबाया तो यहाँ पर ये पॉपअप खुल गया। इसमें यहाँ से हम अपने प्रिंटर चुनते हैं, जैसे अभी मेरे में एक सैमसंग का दिख रहा है, एक कैनन का दिख रहा है, फिर एक पीडीएफ राइटर दिख रहा है, फैक्स, फिर एचपी का दिख रहा है। तो एक बाई डिफ़ॉल्ट कोई भी प्रिंटर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक कैनन ले लिया यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कैनन ले लिया, बाकी ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह बाद में बात करेंगे। एक नॉर्मल हम देखते हैं कि अगर फिर कैनन पे करके मान लेते हैं मुझे देना पहला ही पेज था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में 3 पेज हैं और मैं ओके बटन बाय डिफॉल्ट गलती से दबा देता हूँ ओके। तो एक्चुअली क्या होता है, अब मैं ये एक पॉपअप स्क्रीन आई, इसको तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। तो अभी मैं एक्चुअली बता दूँ आपको हुआ क्या। जब अपन प्रिंट कमांड देते हैं तुरंत उसी वक्त जो हमारा प्रिंटर का स्पूलर है वो काम करता है। ऐसा नहीं होता कि हम प्रिंट दिया हमने और तुरंत प्रिंट चालू हो गया, थोड़ा सा समय रहता है, उस समय का यूज़ करें अगर। तो आप जैसे ही मैंने प्रिंट कमांड दिया तो नीचे ये एक प्रिंटर का साइन बन के आ जाता है। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस एरो को दबाएंगे। अगर ये एरो अगर जूम कर दूँ मैं तो या तो ये आपको इस प्रिंटर कमांड को यहाँ पे मिल जाएगा आपको नीचे अपने टास्क बार में, अगर यहाँ पे नहीं है तो इस एरो को दबाएंगे तो उसके अंदर भी संभवतः वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रिंटर के साइन को क्लिक करता हूँ। जब ये क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने जो भी प्रिंट कमांड दिया वो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे मैंने इस फाइल का नाम, जो मेरी फाइल थी, यानी कि ये जो फाइल थी मेरी टेस्ट डॉट ऑफ एक्स, इसको मैंने प्रिंट दिया है। और ये मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 पेजेस का प्रिंट दिया जबकि मैं देना एक ही का चाह रहा था, और साइज बता रहा है, उसने रीड कर लिया। अगर काफ़ी ज़्यादा पेजेस होंगे तो ये साइज और बड़ा होगा और आपको उतना ही ज़्यादा समय मिल जाएगा अपना प्रिंट को रोकने का। ठीक है, अब मुद्दा ये कि ये अगर यहाँ पर हम आ गए तो इसको कैंस हमको रोकेंगे कैसे इस कमांड को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना है अपने डॉक्यूमेंट के नाम पर, और या तो हम उसको पॉज कर देंगे तो वो वहीं रुक जाएगा, पर हमें तो कैंसिल करना है। मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करते ही साथ एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कैंसिल द डॉक्यूमेंट, उसको यस कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा तुरंत और ये यहाँ से चला जाएगा। इसको मैं यहाँ से ना करके दूसरी जगह दिखाना चाहता हूँ कि और क्या ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल। तो नो पे मैंने इसलिए क्लिक किया था ताकि मैं दूसरी जगह भी दिखा सकूँ जहाँ से अपन इस प्रिंटिंग के कमांड को रोक सकें। तो मान लीजिए कि ये आइकन यहाँ पे भी नहीं होता और इस एरो के अंदर यहाँ पे भी नहीं होता, तो क्या ऑप्शन होता हमारे पास? कुछ नहीं करना है हमें, जैसे अभी विंडोज 10 में, विंडोज 7 में तो सर्च बॉक्स रहता है, तो हमें प्रिंटर की सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट अगर प्रिंटर भी टाइप कर दूंगा तो यहाँ पे आपके पास सर्च में अपने आप प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स आ जाता है। इस पर क्लिक करते हैं अपन, थोड़ा सा समय लगेगा। और जो भी आपका प्रिंटर है, जैसे ये विंडोज 10 में है ऐसा दिख रहा है, यह हो सकता है कि लिस्ट, ये अभी लिस्ट के फॉर्म में आ रहा हो, आपके में पूरे के पूरे प्रिंटर जो है लिस्ट के फॉर्म में हॉरिजॉन्टली आ जाए, वो मैटर नहीं कर रहा। कुल मिला के हमारे पास लिस्ट है, हमने प्रिंटर जो कौन सा चुना था, कैनन वाला चुना था, तो मैं कैनन वाले पे क्लिक करूंगा तो देखिए ओपन क्यू का ऑप्शन आ जाता है। ओपन क्यू क्या होता है, क्यू का मतलब ये होता है कि जितने हम प्रिंटिंग कमांड देते जाएंगे वो वन बाय वन एक क्यू में आ जाते हैं, यानी एक लाइन में लग जाते हैं। जिसको आपने पहले प्रिंट दिया था वो पहले प्रिंट होगा, फिर सेकंड वाला आएगा, राइट। तो अभी ओपन क्यू वाले पे हम क्लिक करते हैं। ओपन क्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए ठीक एग्जैक्टली वही वाला स्क्रीन आपकी खुल गई है। यहाँ से भी मैं राइट क्लिक करके इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मैं इस बार यस कर देता हूँ देखने के लिए। यस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ से ये डॉक्यूमेंट जो है चला गया, यानी प्रिंट में अगर 2 पेजेस
अगर 100 पेजेस का 2 पेज प्रिंट भी हो गए तो वो प्रिंटिंग वहीं स्टॉप हो जाएगी, आपका प्रिंट वहां से इसे डिलीट हो गया, यानी उसके क्यू से डिलीट हो गया, उसकी मेमोरी से क्लियर हो गया। अब आपको चिंता की बात नहीं, आप दोबारा जाके केवल फर्स्ट पेज प्रिंट में दे सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपलेस्ट वे है हमारी इस परेशानी से बचने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ से बंद करता हूँ। और अब हम जस्ट अ सेकेंड, इसके अलावा मैं ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से हम, अगर हमारा प्रिंटर आइडेंटिफाई ना हो, जब हम प्रिंट कमांड दें और वो प्रिंटर की एरर दे, तो हमारे पास क्या 3 ऑप्शंस हैं उसको सही करने का, उस समस्या को दूर करने का। लेकिन उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा थोड़ा डिटेल में हमें उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ कमांड्स हैं, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा वो, तो उसको अलग देख लेंगे। इसमें अपन ये देख लेते हैं कि 2 ऑप्शंस जो हमारे पास और आ रहे हैं वो क्या है, मैनेज और रिमूव डिवाइस के। रिमूव डिवाइस तो हमें क्लियरली है कि क्या होता है, जैसे हमारे पास ऑफिस में हम प्रिंटर कनेक्ट करते हैं या कहीं और जाते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, वहाँ के लोकल प्रिंटर हम अपने सिस्टम से अटैच करते हैं स्कैनर, तो वो एक बार अगर हमारे सिस्टम से अटैच हो गया तो वो हमेशा के लिए हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में, उस कंप्यूटर में जिसमें आपने प्रिंटर और स्कैनर अटैच किया था, उसमें उसका ड्राइवर हो जाता है। तो इन केस मान लीजिए इनमें से कोई आपको लगता है कि आपको हटाना है, अब आप अपने यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कैनन अगर नहीं करते तो रिमूव डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटर इस लिस्ट से हट जाएगा। अननेसेसरी ये इतनी लंबी लिस्ट है, इससे आप बच सकते हैं। मैनेज वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो मैनेज में देखिए, आपको कई बार ये होता है कि जब आप प्रिंटर कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि वो प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से पहला ऑप्शन प्रिंटर टेस्ट पेज, आप देंगे तो एक टेस्ट पेज प्रिंट हो जाता है, तो इससे ये समझ में आ जाता है कि ये आपका प्रिंटर जो है वर्क कर रहा है आपके सिस्टम पे। सेकेंड ऑप्शन ट्रबल शूटर है, ये ऑप्शन इसलिए रहता है कि आपने प्रिंटर तो कनेक्ट कर लिया, टेस्ट पेज दिया, वो नहीं निकला, वो प्रिंट नहीं आया, तब आप ट्रबल शूटर चला के एक बार प्रयास कर सकते हैं, ताकि वो एक बार सिस्टम ड्राइवर वगैरह को चेक वेक करके, सारी बेसिक जो पॉसिबल पॉसिबिलिटी है वो सिस्टम ही चेक करके उसको कोशिश करता है कि प्रिंट हो जाए। फिर प्रिंटर की प्रॉपर्टीज तो कुछ नहीं है, वो आपको राइट साइड में, मतलब नीचे से जहाँ प्रिंटर इंस्टॉल होता है उस वक्त भी सेट करते हैं, मैंने क्लिक कर दिया। इसमें सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप उस प्रिंटर पे कैसी प्रिंटिंग देना चाहते हैं, उसमें कलर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उसको ग्रे स्केल में प्रिंट करना चाहते हैं, या और भी जो ऑप्शंस हैं, नीचे प्रेफरेंसेस में भी जाके कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं, इतना कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस क्या है, उसमें आप जो प्रिंट दे रहे हैं उसमें बाई डिफॉल्ट कोई सेटिंग रख सकते हैं, उसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे आप A4 साइज़ के पेपर ही प्रिंट करते हैं, या लीगल साइज़ के करते हैं जो थोड़े से लंबे होते हैं, या और कोई प्रिंटर की सेटिंग की इकोनॉमी में उसको आप सेट करना चाहते हैं, ताकि आपके प्रिंटर की जो टोनर है, यानी जो उसका ब्लैक इंक वगैरह है वो कंज्यूम कम हो, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम जनरेट हो, मतलब एक थोड़ा सा उससे आपको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। फिर नीचे हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़, मतलब आपके प्रिंटर की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये थोड़ा सा जनरल चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। मैं यहाँ से जूम आउट कर देता हूँ, और ये मैनेज रिमूव और ये 3 ऑप्शंस भी हमने देख लिया प्रिंटर के। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रिंटर को, अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने में कंप्यूटर में, तो कैसे करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत